हाँ, तुम मुझे सुन सकते हो? और कोई भी नहीं, स्मोकिंग कर रहे हो ना? मज़ा आ रहा होगा, खुद को हीरो जैसा फील कर रहे होगे। मैं भी करता था। तुम्हें बता दूँ कि मैं कुछ साल पहले ही मर चुका हूँ, बट तुम्हें सिगरेट पीते हुए देखा ना तो लगा कि तुम्हें कुछ ज्ञान दे दूँ, क्योंकि तुम्हारा बहुत बड़ा परिवार है, तुम्हारे बच्चे हैं। मेरी भी बच्ची थी, मेरी भी वाइफ थी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई नहीं पाया। सिगरेट की तलब जब भी लगती थी, कभी छोड़ने की कोशिश भी नहीं की, और जब भी तलब लगती थी तुरंत पहुंच जाता था। छोड़ दो यार, तुमसे ही कह रहा हूँ। हाँ, तुम ही मुझसे मुझे सुन पा रहे हो। अगर तुमने नहीं छोड़ा ना, तो शायद तुम भी किसी और को ज्ञान दे रहे होगे। छोड़ दो ना यार, ये सिगरेट तुम्हें फाइनेंशियली तकलीफ दे सकती है, हेल्थ में इशू दे सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पता है तुम्हें यार? कैंसर हो सकता है, माउथ कैंसर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट शायद उससे डर ना लगे, क्योंकि जब तक होता नहीं है ना, तब तक महसूस नहीं होता। मैं भी ऐसे ही था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सिगरेट की डिब्बी पे एडवर्टाइजमेंट और बड़ा हो जाए, और ख़तरनाक चेहरे हो जाएं, और बड़ी बड़ी डिजीज़ लिख दी जाएं, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जब एक पफ जाता है ना, और दिमाग थोड़ा हिलता है, तो अच्छा लगता है। बाद में एक सिगरेट, दो सिगरेट, एक डब्बा पीता रहा, फाइनली लंग कैंसर से डेथ हो गई मेरी। बट मैं तुम्हारे पास आया, तुम अच्छे इंसान लगते हो यार। तुम्हारे पास फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, तुम्हारे बच्चे भी हैं, स्कूल जाते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते हो? उनके साथ ज़िंदगी नहीं बिताना चाहते हो? बोलो ना, तुमसे ही बोल रहा हूँ यार, कहाँ सोच में पड़ गए? यार मेरी बेटी बोलती थी छोड़ दो, नहीं छोड़ पाया। आज उन सबको छोड़ के जा चुका हूँ बहुत दूर। प्लीज़ यार, तुम छोड़ दो ना, अच्छा नहीं लगता, प्लीज़।